नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। आज है हमारे साथ रामवीर कल्याण, जो कि गांव भागल के वार्ड नंबर 17 से पंच पद के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर जनसेवा टीवी की ओर से राम राम करता हूं। राम राम जी। राम राम जी। मैं रामवीर कल्याण जी, जनसेवा टीवी के माध्यम से मैं सभी हल्का वासियों को, गाँव वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ जी। रामवीर कल्याण जी, सबसे पहले जो हमारा सवाल होगा वो यही है, हाँ जी, कि आपके मन में कैसे आया कि आपको इस बार जो पंचायत मेंबर का इलेक्शन है वो लड़ना चाहिए? मेरे मन में सर ऐसे आया कि जो भी अधूरे काम है 17 वार्ड के, मैं उनको पूरा करवाऊं। कौन कौन से ऐसे काम है 17 वार्ड में जो होने हैं? 17 वार्ड में सर ऐसे है, सफाई का है जो, अच्छा सीवरेज का है जो, ठीक है सर, अच्छा कोई लाइट का है काम सर, मैं उनको सबको पूरा, जो भी 17 वार्ड की कोई भी कमी है सर, मैं उनको पूरा करवाना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ 17 वार्ड की वोटों की, हाँ जी, कितनी वोटें हैं टोटल? 320 वोटें सर। 320, हाँ जी, यानी कि 320 का 50% हो गया, हाँ जी सर, 160, हाँ जी सर, यानी कि जिसको भी 160 वोटें मिल गई, 161 बार मिल गई, हाँ जी सर, वही पंच बन जाएगा, हाँ जी सर। तो कितने उम्मीदवार हैं 17 वार्ड में? 17 वार्ड में 2 उम्मीदवार हैं सर। 2। आपको कितना विश्वास है कि आपकी विजय होगी? मुझे फुल विश्वास है, मेरा भाईचारा पे, सारा पे हाथ जोड़ के मैं कहना चाहूँगा कि मेरी वोट जरूर दे, और मैं उन्हों को खड़ा है, भाईचारा को खड़ा है सर, ठीक है ना, वो मेरी वोट पक्की देंगे, मुझे विश्वास है कि मुझे मेरी जीत कराएंगे। ऐसा कौन सा काम है जो पहले नहीं हुआ और इस बार आपने सोच रखा कि ये काम पक्का करवाऊंगा? सर एक तो जो मेन गली है हमारी वाल्मीकियों की, वो गली नहीं हुई है सर, जो भी कमी है मैं पूरी करवाऊंगा, सरपंच से अपील करूंगा, मैं जो भी नया सरपंच आएगा मैं उससे अपील करूंगा। गांव में हमारे 4 बंदे लगे हुए हैं, उनमें 5-6 बंदे और लगने चाहिए, सरपंच से मैं हाथ जोड़कर, जो भी नया सरपंच आएगा उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा भी वो बंदे लगाए जाए। यानी कि इतने बड़े गांव में सिर्फ 4 आदमी है सर, तो आपका सबसे पहला काम यही रहेगा? यही रहेगा, उनकी संख्या बढ़ाएंगे, हाँ जी सर। और अगर बात की जाए लाइटिंग की, हाँ सर, लाइटें वार्ड नंबर 17 में कितनी लाइटिंग जरूरत पड़ेगी? लाइटिंग सर चाहे 100 की जरूरत पड़ो, चाहे 20 की जरूरत पड़ो, मैं जरूर करूँगा अपील सरपंच से, पहले नंबर पर यही अपील करूँगा भी लाइटें लगवाई जाए। और सुनने में आया है कि एक जो वार्ड नंबर 17 की समस्या है वो है निकासी की। हाँ निकासी की सर, हाँ सर, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं सरपंच से अपील करूंगा कि हमारी निकासी करवाई जाए। पंच पद के हस्ताक्षर की क्या वैल्यू होती है? सर 50% वैल्यू है पंच पद की, अगर हस्ताक्षर नहीं होंगे ना तो कोई भी काम नहीं बनेगा। अगर सरपंच कोई काम करवाना चाहता है तो उस पर 50% से ज्यादा? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गांव में जो भी प्रगति कार्य होते हैं उनमें पंच की अहम भूमिका होती है। अहम भूमिका होती है सर, ठीक है। और अगर बात करें, ये तो वार्ड नंबर 17 की होगी, हाँ जी, गांव में कौन कौन सी और समस्याएं हैं? गांव में सर जो 17 वार्ड की समस्याएं हैं, इस गांव में तो पानी की भी समस्या ही है, निकासी की, बिजली की समस्या ही है जी। शिक्षा पे मैं पूरा ध्यान करूँगा भी, सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, जो स्कूल में काम अधूरे हैं वो भी करवाएंगे। मैं वार्ड नंबर 17 की नहीं बात कर रहा, मैं सारा गांव की समस्या कोई भी है सारी समस्याओं को दूर करवाएंगे, मैं पूरा ध्यान रखूंगा भी कोई अच्छा काम बने, ठीक है ना, मैं अच्छा काम में सहयोग दूंगा, मैं माड़ा काम में सहयोग नहीं दूंगा। ये थे हमारे साथ रामवीर कल्याण जी, जो वार्ड नंबर 17 से पंच पद के भावी उम्मीदवार। और एक बार फिर से मैं इनसे अपील करूंगा कि ये अपना चुनाव चिन्ह आप सभी को बता दें। मैं आज जोड़कर यही गाँव वासियों से और अलका वासियों से सभी से, मैं वार्ड वासियों से यही अपील करूंगा, मेरा पौड़ी का निशान है सीडी का, एक एक कीमती वोट देकर मुझे विजय बनाएं। जो सीडी का निशान होता है वो है प्रगति का प्रतीक, हाँ जी सर, तो ये आपके लिए खुशी की बात? हाँ खुशी की बात है सर, मुझे मांगे थे यही निशान भी, मेरा सीडी का निशान आना चाहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।